संवेदनशील माने जाने वाले नागपुर रेलवे स्टेशन पर सोमवार की शाम जिलेटिन विस्फोटक से भरा हुआ एक लावारिस बैग मिला। बैग में करीब 40 जिलेटिन की छड़े पाई गई। जल्द ही बम शोधक दल ने इन घातक छड़ों को अपने कब्जे में लेकर बाहर से हटा लिया। रेलवे स्टेशन पर अचानक बम शोधक पथकों व ATS की टीम की मौजूदगी के बाद यहां मौजूद यात्री सकते में पड़ गए। सोमवार की शाम करीब 7:30 बजे किसी ने GRP की PI को ट्रैफिक बूथ के पीछे एक लावारिस बैग पड़ा होने की जानकारी दी थी। इस सूचना के बाद रेलवे के डॉग स्क्वाड के जरिए इसकी जांच की गई। इसमें श्वान ने विस्फोटक होने का संकेत दिया। इसके बाद सिटी पुलिस का बम शोधक दल पहुंचा और जांच के बाद जिलेटिन से भरा बैग सुरक्षित रूप से वहां से हटाया। बताया गया है कि ये जिलेटिन अमूमन कुएं की खुदाई के लिए विस्फोट करने में काम में आता है। ट्रेनों से विस्फोटक अथवा ज्वलनशील पदार्थ के परिवहन पर पाबंदी है। खैर, बैग स्टेशन के बाहरी परिसर में लावारिस अवस्था में मिला, इसीलिए कई पहलू स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। सूत्रों के अनुसार ये बैग जहाँ मिला वहाँ तक CCTV कैमरे की रेंज भी नहीं है। यही वजह है कि देर रात तक यहाँ पता नहीं चल पाया कि आखिर ये बैग यहाँ कौन छोड़ गया। इसके बाद पुलिस व एंटी टेररिस्ट स्क्वाड घटनास्थल के आसपास लोगों से पूछताछ करता रहा। इस घटना ने रेलवे स्टेशन जैसी महत्वपूर्ण जगह पर CCTV लगाने में कंजूसी की कलई खोल दी है। Love you, Deepika. Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।